नमस्कार, क्या आप जानते हैं पृथ्वी में चुंबकीय शक्ति उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कहाँ से आए? आज मैं आपको बताऊंगा पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति और उसके प्रभावों के विषय में, और कैसे हम पृथ्वी की चुंबकीय किरणों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। तो आओ जानें, जैसे जैसे पृथ्वी का विकास 4.5 अरब साल पहले शुरू हुआ, भारी लोहा केंद्र में चला गया और हल्का सिलिकेट सतह पर आ गया। पृथ्वी की कोर में लाखों टन गर्म लोहा कुछ गति से घूम रहा है, जो इसके चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के लिए जिम्मेवार है, और इसीलिए पृथ्वी के चारों तरफ एक अदृश्य किरणों की परत है। यह अदृश्य किरणों की परत हमें खतरनाक सौरमंडल किरणों से बचाती है और हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। यह चुंबकीय कंपास के काम के लिए भी जिम्मेदार है, जो दिशा बताने के काम आता है। इसके अलावा कबूतर जैसे पक्षी पृथ्वी के चुंबकीय किरणों की मदद से लंबी दूरी तय कर सकते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का लाभ उठाने के लिए हमें इसका सही उपयोग करना सीखना होगा। चुंबकीय किरणों का लाभ उठाने के लिए सोते समय हमारे सिर की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। दक्षिण दिशा में सिर करके सोने से हमें कई तरह से लाभ होते हैं। अब पृथ्वी की चुंबकीय किरणें हमारे शरीर में इस तरह से प्रवेश करती हैं कि ये हमारे शरीर को फैलाती हैं और हमारे शरीर पर अच्छा असर डालती हैं। इसलिए हमें अच्छी नींद आती है और अगली सुबह हम आराम से खुशी से उठते हैं। इसके विपरीत, जब हम उत्तर दिशा में सिर करके सोते हैं तो हमारे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। इसको आप बहते हुए पानी के उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर हम बहते पानी के विपरीत दिशा में तैरना चाहते हैं तो हम जल्दी ही थक जाएंगे और कुछ समय तैरने के बाद असमर्थ हो जाएंगे, जबकि हम पानी के प्रवाह का लाभ उठा सकते हैं यदि हम प्रवाह की दिशा में तैरें। इसी तरह नियमित रूप से चुंबकीय किरणों की विपरीत दिशा में सोने से हमारे मन और शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जागने पर आपको सिर दर्द और शरीर में दर्द हो सकता है। आप इसे किसी भी धर्म या वास्तु से जोड़ सकते हैं, परंतु यह वैज्ञानिक है। इसीलिए सोते समय हमारा सिर दक्षिण, पूर्व या पश्चिम में हो सकता है, परंतु उत्तर में नहीं। अगर आप खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो प्रकृति का लाभ उठाएं, उसके अनुसार काम करें। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें।